यहां पर सबसे मेन चीज जो हमें समझनी है, सर्किट का डिजाइन ऐसे कुछ भी कर देने से नहीं होता है। हमें हमने जो सीरीज पैरेलल देखने कॉन्सेप्ट बताए हैं उनको देखते हुए, उनको सोचते हुए कौन सीरीज में कौन पैरेलल में ये देखना होता है, ठीक है। तो यहां पर हम देखें तो ये दोनों रजिस्टर का एक एंड पॉइंट यहां पर है और एक एंड पॉइंट इस जगह पे। सिर्फ कनेक्टिंग वायर है तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। कनेक्टिंग वायर मींस इट इज द सेम पॉइंट, ठीक है। सीरीज अभी तो कहीं पे भी बनता हुआ नहीं दिख रहा है। कोई भी टर्मिनल अगर देखोगे, यहां एक जंक्शन है, इधर तीन चीजें कनेक्टेड है, तो सीरीज नहीं बन रहा है। दैट मींस दीज टू आर इन पैरेलल। तो पहले इनका पैरेलल में इक्विवेलेंट हम निकाल लेते हैं। तो थ्री और सिक्स का हमें मिलेगा टू। सो दिस सर्किट विल रिड्यूस टू अ रजिस्टर of 4 ohms and another resistor of 2 ohm in series with a battery of 12 volts. अब इस सर्किट को हमें सॉल्व करना आता है। इस सर्किट को सॉल्व करना बहुत सिंपल है, ठीक है। ये सर्किट इजीली सॉल्व हो जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 6 ohm. करंट सप्लाइड बाय द बैटरी देयरफॉर विल बी 12/6 2 एम्पियर। देयरफॉर करंट इन 4 ओम रेजिस्टर विल बी 2 एम्पियर। I1 विल बी 2 एम्पियर। हमारे पास I1 आ गया 2 एम्पियर और यहीं से हमें V1 भी मिल जाएगा 2 × 4 8 वोल्ट्स। अब ये 2 ओम कहां से आया था? ये 2 ओम एक्चुअली इन दोनों का पैरेलल में कॉम्बिनेशन था। मतलब इस पर जो पोटेंशियल है वही इन दोनों पर पोटेंशियल रहा होगा। देयरफॉर V2 विल बी इक्वल टू V3 विल बी इक्वल टू 4 वोल्ट। क्यों? क्योंकि 12 वोल्ट में से 8 वोल्ट इसको मिल गया तो बचा हुआ 4 वोल्ट यहां। या फिर हम ऐसे ही बता सकते हैं 2 × 2 IR 2 × 2 4 वोल्ट। V2 V3 मिल गया तो हम I2 I3 निकाल सकते हैं। 4/3 एम्पियर। I3 विल बी इक्वल टू 4/6 एम्पियर, दैट इज 3 एम्पियर। चेक दैट 4/3 प्लस 2/3 विल अगेन कम आउट टू बी 2 एम्पियर, जो कि आना चाहिए था। यही 2 एम्पियर जो है डिस्ट्रीब्यूट होकर 4/3 और 2/3 बना था। तो सम वापस से उतना ही आना चाहिए, आ भी रहा है, ठीक है। सारी चीजें यहां कैलकुलेट हो जाती है इस तरह से, सब कुछ हमें मिल जाता है, ठीक है। सो दिस हाउ वी सॉल्व कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। अगर एक ही सर्किट में सीरीज और पैरेलल दोनों मिला दिया है तो हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले हम उसे रिड्यूस करेंगे, जो जो सीरीज में देख रहे हैं उन्हें सीरीज में जोड़ देंगे, जो पैरेलल में उन्हें पैरेलल में, एंड देन After solving the simplified circuit, हम फिर से जो हमने रिड्यूस किया था उसको ओरिजिनल पे अप्लाई करने लगेंगे। ये पैरेलल में थे इसलिए इन पर पोटेंशियल सेम रहा। अगर इसी तरह से कुछ सीरीज में होते तो उन पर करंट सेम रहता और हम फिर सॉल्व करते जाते, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इस तरह से हम रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हैं। हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ मिसेलेनियस क्वेश्चंस लेते हैं जिनमें सपोज हमें कुछ इस तरह का
सपोज कुछ इस तरह का एक हाइपोथेटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स हमें दिया हुआ है, ए टर्मिनल से स्टार्ट करते हुए पहले एक सिंगल रेजिस्टर आर, फिर दो रेजिस्टर्स आर, फिर चार रेजिस्टर्स आर, फिर आठ रेजिस्टर्स आर, ऐसे करते करते इंफिनिटी तक चलता जा रहा है और फिर अल्टीमेटली टर्मिनेट हो रहा है बी टर्मिनल में। हमें बताना है इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, ऑल द रेजिस्टर्स आर ऑफ रेजिस्टेंस आर, सारे ही रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस आर है, रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स इज आर। ओके, सो हम फिर से अगर ध्यान से देखें तो हमें क्या मिलेगा, दैट दिस इज अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, ये दो रेजिस्टर्स पैरेलल में, ये चार पैरेलल में, ऐसे ही आठ पैरेलल में, ऐसा इंफिनिटी तक चलता जा रहा है, और फिर ये सारे कॉम्बिनेशंस आपस में सीरीज में है, ये सारे कॉम्बिनेशंस आपस में सीरीज में है। सो अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां लिखने जाएंगे तो हमें मिलेगा R प्लस R बाय टू प्लस R बाय फोर प्लस R बाय एट। ये मैं कैसे लिख रहा हूं, N रेजिस्टर्स ऑफ सेम रेजिस्टेंस R इन पैरेलल, हमने एक जनरल फॉर्मूला लिखा था R बाय N, दो है तो R बाय टू, चार है R बाय फोर, आठ है R बाय एट, और हमें क्वेश्चन में कहा है ये इंफिनिटी तक चलता जाएगा, दिस विल कीप ऑन गोइंग टिल इंफिनिटी। नाउ हाउ डू वी ऐड सच नंबर्स, हम इस तरह की एक सीरीज को कैसे ऐड करते हैं, तो फिर से हम यहां अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिखेगी हमें, दिस इज एन इनफाइनाइट जीपी विथ कॉमन रेशियो लेस देन वन, ठीक है, एस इंफिनिटी ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी इक्वल्स ए अपॉन वन माइनस आर इफ मॉड आर इज लेस देन वन, ये वहां फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। फॉर्मूला यहां हम लगा दें, कॉमन रेशियो में देखेगा 1 बाय टू, देयरफॉर आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू आर अपॉन 1 माइनस 1 बाय टू, विल बी इक्वल टू आर अपॉन 1 बाय टू, एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2R, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 2R हो जाएगा। ठीक है, सो ध्यान से देख ले, इस जगह पर हमारी फिजिक्स अगेन खत्म हो गई थी, देन वी जस्ट नीडेड अ फॉर्मूला फ्रॉम मैथ्स, ठीक है, इवन फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, बायो के स्टूडेंट्स के लिए भी ये फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है, दिस माइट बी यूज्ड इन सम क्वेश्चन कमिंग इन एग्जाम्स, ठीक है, दिस इज अगेन वन ऑफ द फॉर्मूला जो बायो के स्टूडेंट्स को भी पता होना चाहिए। ठीक है, अगेन लेट मी टेक अ मिसलेनियस क्वेश्चन, फिर से कुछ अलग तरह का मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन मैं लेता हूं। सपोज वी आर गिवन such a combination of resistors,
एन इनफाइनाइट लैडर ऑफ रेजिस्टर्स इज गिवन. रेजिस्टर्स की एक इनफाइनाइट लैडर हमें गिवन है. ऊपर वाले जो सारे रेजिस्टर्स दिख रहे हैं दे ऑल आर वन ओम. ठीक है, ये जो सारे रेजिस्टर्स दिख रहे हैं दे आर वन ओम ईच. ये जो सारे बीच में रेजिस्टर्स दिख रहे हैं दे आर टू ओम्स ईच. अगेन वी नीड टू टेल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, क्या मिलेगा? ठीक है, ध्यान रहे इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहली चीज जो ऑब्जर्व करनी चाहिए हमें दैट नन ऑफ द रेजिस्टर्स विल बी सीन इन आइदर सीरीज और पैरेलल. कोई भी दो रेजिस्टर्स ना हमें सीरीज में दिखेंगे ना हमें पैरेलल में दिखेंगे. ठीक है, सो डेफिनेटली वील हैव टू डू समथिंग डिफरेंट. हमें कुछ अलग यहां करना होगा, कुछ अलग सोचना होगा. दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ वन ऑफ इट्स ओन टाइप. ये एक मिसलेनियस क्वेश्चन है. सॉल्व करने का कुछ एक ही पर्टिकुलर तरीका होता है. ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करें. ओके, सो यहां पर जो तरीका होगा सॉल्व करने का, हमें पहले इस सर्किट में, सॉरी इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में एनालिसिस करना होगा. हम कुछ ऑब्जर्वेशन यहां देखें. हम यहां पर रेजिस्टर्स के कनेक्शन में कुछ सिमेट्री देख रहे हैं. देयर इज सम सिमेट्री. यही ट्रेंड बार बार रिपीट होते जा रहा है. यही 1 2 1 2 1 2 रेजिस्टर्स जो है रिपीट होते जा रहे हैं. Now, if we see, अगर मैं सपोज इतना पार्ट हटा दूं, अगर मैं इतना पार्ट यहां से हटा दूं, सपोज आई कॉल दीज टू पॉइंट्स ए डैश एंड बी डैश, तो मुझे ए डैश और बी डैश के बीच में भी उसी तरह का रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन दिखेगा जैसा ए और बी के बीच में. The combination of resistors between A dash and B dash will appear same as that between A and B. Infinity में से एक minus भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो infinity ही बना रहता है. So हमें जो चीज A और B के बीच में दिख रही है वही यहां A dash और B dash के बीच में दिखेगी. We conclude that R equivalent R equivalent dash, that is equivalent resistance between A dash and B dash, R equivalent dash will be equal to R equivalent, जिसको हम कुछ R मान लें. Assume R equivalent dash हम बोल रहे हैं equivalent resistance between A dash and B dash, और हम कंक्लूड कर रहे हैं R equivalent dash और R equivalent दोनों बराबर ही होने चाहिए. से R, the boss we call it R. The circuit now reduces to the circuit now reduces to this. हम A dash B dash के बीच में भी R equivalent R ही बोल रहे हैं तो उसकी जगह ही R लगा दिया. Equivalent resistance का फंडा ही है कि सारे resistors के combination को हटाकर वो single resistance भी लगाया जा सकता है. वो सब कुछ same ही offer करता है. हमने ऐसा कर दिया. Now what are we saying? ये 2 और R मिलकर इस 1 के साथ मिलकर वापस से 1 ही दे दें. 2 और R का कॉम्बिनेशन, फिर उनका कॉम्बिनेशन 1 के साथ, ये तीनों मिलके वापस से R ही दे दें.
इनसे वापस से हमें आर ही मिलने लग जाए। टू और आर का कॉम्बिनेशन अगर हम लिखेंगे, ठीक है, इन दोनों का अगर हम कॉम्बिनेशन लिखेंगे आर डैश, तो वो हमें मिलने लगेगा टू आर अपॉन आर प्लस टू। ठीक है, वो फॉर्मूला लिखकर हम देख लें, चेक कर लें, वन अपॉन आर डैश इक्वल टू वन बाय आर प्लस वन बाय टू। ठीक है, और फिर ये आर डैश जो है वन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो अल्टीमेटली आर इक्वल टू वन प्लस आर डैश, जो कि हमें इक्वेशन देगा आर इक्वल टू वन प्लस टू आर अपॉन आर प्लस टू। सिंप्लीफाई करते जाए, सॉल्व करते जाए, आर प्लस टू प्लस टू आर अपॉन आर प्लस टू, इसको इधर भेज दें, आर स्क्वायर प्लस टू आर इज इक्वल टू थ्री आर प्लस टू, विच गिव्स अस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, विच विल बी आर स्क्वायर माइनस आर माइनस टू इक्वल जीरो। आर स्क्वायर माइनस आर माइनस टू इक्वल टू जीरो। स्प्लिटिंग मिडल टर्म फैक्टर्स अगर हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा आर माइनस वन और कुछ गड़बड़ी हो रही है छोटी सी, नहीं ठीक है, आर आर प्लस वन इंटू आर माइनस टू इक्वल जीरो। सो इनफैक्ट आंसर 2 ओम्स आ रहा है, नॉट 1 ओम, आंसर 2 ओम्स आ रहा है। ये वाला रूट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ओनली दिस विल बी टेकन बिकॉज द रेजिस्टेंस हैज टू बी पॉजिटिव, सो आर इक्विवेलेंट कम आउट टू बी 2 ओम, सॉरी 1 ओम नहीं होगा रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इट विल बी 2 ओम्स। यहां से हम चेक भी कर ले, 2 और 2 पैरेलल में 1 देंगे, 1 और 1 वापस से 2 दे देंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 2 ओम्स। सो अगेन दिस इज वन ऑफ अ टाइप ऑफ क्वेश्चन इन इटसेल्फ, ये बिल्कुल एक अलग ही तरह का अपने आप में एक क्वेश्चन है, मिसलेनियस क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको सॉल्व करने का यही तरीका होता है, देयर इज नो अदर मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हमें इसे ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। हमने सिंपली जो एक लॉजिक एक कॉन्सेप्ट यूज किया, यहां पर ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वही होना चाहिए जो ए डैश बी डैश के बीच में, क्योंकि इन्फिनिटी में से एक हटा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, देयरफॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए डैश बी डैश शुड बी द सेम एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सिंप्लीफाइड कंडेंस्ड सर्किट जो बना वो ये बना,
यहां पर आर डैश लिखा सबसे पहले हमने, टू आर अपॉन आर प्लस टू, फिर ये वन के साथ सीरीज में है, ये दोनों मिलकर वापस आर ही दे देते हैं। सॉल्व करते गए, क्वाड्रेटिक आई, नेगेटिव रूट को रिजेक्ट कर दिया, रेजिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, और हमें 2 ओम्स मिल जाता है। हम चेक करके देख रहे हैं, वही सही आ रहा है। ठीक है भाई, हम अगले कॉन्सेप्ट पर जाते हैं। हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज अगेन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, व्हीटस्टोन जो है वो साइंटिस्ट का नाम था, उसने इसे डिवाइस किया था, तो उसी के नाम पर हम इसे पढ़ते हैं। इट इज सिंपली अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, रेजिस्टर्स को कुछ एक पर्टिकुलर फैशन में यहां कनेक्ट किया जाता है, जिससे ये इसका नाम यहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस तरह का होता है, 5 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड, पांच रेजिस्टर्स वहां कनेक्ट किए जाते हैं इन दिस वे। Such a combination of resistors is called a Wheatstone bridge. ठीक है, जिसमें इस R5 को जो बीच में लगा हुआ है उसे ब्रिज रेजिस्टर कह दिया जाता है। ठीक है, ये जो है इस सर्किट के दो पार्ट्स के बीच में एक ब्रिज के जैसा हमें दिखता है, सो वी कॉल इट अ ब्रिज रेजिस्टर। और ये जो दो पार्ट्स हैं, वी कॉल देम द टू आर्म्स ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, ब्रिज रेजिस्टर एंड द टू आर्म्स ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। R1 R2 मेक वन आर्म ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, R3 R4 मेक द सेकेंड आर्म ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। नाउ अगेन The first thing that we should observe here is, सबसे पहली चीज जो हम यहां ऑब्जर्व करें, अगेन सी दैट, चेक दैट नो टू रजिस्टर्स वुड बी इन सीरीज और पैरेलल। कोई भी दो रजिस्टर्स यहां सीरीज में या पैरेलल में नहीं दिखेंगे, कोई भी दो रजिस्टर्स हमें यहां सीरीज पैरेलल में नहीं दिखेंगे, विच अगेन मेक्स द सर्किट डिफिकल्ट फॉर सॉल्विंग। इस सर्किट को सॉल्व करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, बट वी से दैट फॉर वन पर्टिकुलर केस, एक पर्टिकुलर केस ऐसा होता है फॉर विच दिस सर्किट कैन बी सॉल्व वेरी इजीली। एक सर्किट ऐसा, एक कंडीशन ऐसी हमें मिलती है जिसके लिए हम इस सर्किट को बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हैं। वी से दैट सपोज दीज टू पॉइंट्स आर ए एंड बी, ये दोनों पॉइंट्स मैं ए और बी बोल दूं,
then we say that if the potential at A is equal to the potential at B, if the potential at A is equal to the potential at B, then this Wheatstone bridge is said to be in a balanced state. हम कहते हैं ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है बैलेंस्ड स्टेट में है, ठीक है. इफ वी ए इक्वल्स वी बी विच इन अदर टर्म्स कैन ऑल्सो बी सेड एज इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ब्रिज रेजिस्टर इज जीरो, और वी कैन से द सेम थिंग एज पोटेंशियल डिफरेंस across bridge resistor is zero the Wheatstone bridge is said to be in a balanced state. If VA equal to VB, that is potential difference across bridge resistor is zero, the Wheatstone bridge is said to be in a balanced state. अब अगर इस रजिस्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो उसका क्या मतलब होगा? इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. इन सच कंडीशन, इन दिस कंडीशन, इट कैन बी In this condition, no current flows through bridge resistor. Bridge resistor में कोई current flow करेगा ही नहीं. अब अगर हमने सर्किट में कोई चीज कनेक्ट कर रखी है जिसमें कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है, जिस पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो उस चीज का सर्किट में कोई काम ही नहीं है. इट बेसिकली डज नॉट हैव एनी पर्पस इन द सर्किट. उसका उस सर्किट में कोई काम ही नहीं है. दिस इज ऑलमोस्ट द सेम एज प्लगिंग अ डिवाइस एंड नॉट स्विचिंग इट ऑन. हम किसी डिवाइस को प्लग इन तो कर दें पर उसको ऑन ही ना करें, तो उसको चाहे प्लग इन किया जाए चाहे ना किया जाए, हम उसे प्लग इन करें या ना करें, अगर हम उसे चालू ही नहीं कर रहे हैं तो दोनों केस में कोई फर्क ही नहीं पड़ता. आइदर वी प्लग इट इन और नॉट, इट विल मेक नो डिफरेंस इफ वी आर नॉट स्विचिंग इट ऑन. बिल्कुल सेम यही बात हम यहां अप्लाई करेंगे. हम बोलेंगे देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस across this resistor, there is no current in this resistor, it has no contribution in this circuit, it can be simply removed from the circuit. In this condition, no current flows through bridge resistor, thus it can be removed. From the circuit. और यहां हम इस तरह से लिख सकते हैं, दस रिमूविंग इट फ्रॉम द सर्किट विल मेक नो डिफरेंस. दस रिमूविंग इट फ्रॉम द सर्किट विल मेक नो डिफरेंस, विल नॉट अफेक्ट द सर्किट. रिमूविंग इट फ्रॉम द सर्किट विल मेक नो डिफरेंस.
ठीक है। अब ये करने से फायदा क्या हो रहा है, हम ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज एज सून एज वी रिमूव दिस ब्रिज रजिस्टर फ्रॉम द सर्किट, वील स्टार्ट सीइंग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमें ये दिखने लगेगा कि आर वन और आर थ्री सीरीज में है, आर टू और आर फोर सीरीज में है, फिर इनका कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल में है। इन बैलेंस स्टेट दिस सर्किट विल बी सिंप्लीफाइड एंड विल लुक लाइक दिस। सर्किट जो है इस तरह का हो जाएगा। सर्किट जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। हमें एक सिंप्लीफाइड सर्किट मिल जाएगा जिसमें आर वन और आर थ्री सीरीज में है, आर टू और आर फोर सीरीज में है, और इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशंस अल्टीमेटली आपस में पैरेलल में है। ठीक है। एनी अदर स्टेट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, एनी अदर स्टेट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज विल बी कॉल्ड एन अनबैलेंस्ड स्टेट। एनी अदर स्टेट ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज विल बी कॉल्ड एन अनबैलेंस्ड स्टेट। And we'll have to apply KVL, KCL to solve the circuit. फिर हमें सर्किट को सॉल्व करने के लिए और कोई तरीका नहीं होगा, हमें पूरी तरह से इसे KVL, KCL लगाकर ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, हमें इस सर्किट को फिर KVL, KCL लगाकर ही सॉल्व करना पड़ेगा। There will be no other method of solving the circuit. ठीक है, unless there is some symmetry, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, अगेन एक स्पेशल केस हम देखेंगे। अदर देन दैट इस सर्किट को सॉल्व करना फिर बहुत लेंदी जाएगा, इट विल बी अ लॉट ऑफ मैकेनिकल वर्क। केवीएल केसीएल लगाकर ही फिर वो सॉल्व होगा। ठीक है, नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हेन डज दिस व्हीटस्टोन ब्रिज गेट बैलेंस्ड। ऐसी क्या कंडीशन हो जाए जिससे ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाए, ऐसी क्या कंडीशन हमें मिले जिससे ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाए। हम इसी एक कंडीशन से वर्क करना चालू करते हैं, यही एक कंडीशन है, इसी से वर्क करना चालू करते हैं। मैंने VA इक्वल टू VB और उसे कुछ V वोल्ट्स बोल दिया। मैंने यहां A और B पर जो पोटेंशियल है उसे कुछ V वोल्ट्स बोल दिया। नाउ देर विल बी सम करंट इन बोथ द पार्ट्स, कुछ आई वन आई टू इस तरह से करंट होगा। ठीक है, P हायर पोटेंशियल पर होगा, A लोअर पोटेंशियल पर होगा। मैं यहां ओम्स लॉ अब सारे रजिस्टर्स पर लगाना शुरू करता हूं। आई स्टार्ट अप्लाइंग ओम्स लॉ ऑन ऑल द रजिस्टर्स। V1 equal to I1 R1 लिखने के बजाय मैं उसको थोड़ा सा अलग तरह से लिखता हूं। I write it as VP minus V equal to I1 R1 and VP minus V equal to I2 R2। मैं उसे इस तरह से लिखता हूं। मैंने एक आर्म के लिए ये लिखा VP माइनस V इक्वल टू I1 R1, VP माइनस V इक्वल टू I2 R2। दूसरे आर्म के लिए सिमिलरली अगर मैं लिखूं तो V माइनस VQ इक्वल्स I1 R3, V माइनस VQ इक्वल्स I2 R4। ये मेरे पास चारों रजिस्टर्स के लिए ओम्स लॉ की इक्वेशन आ गई। मैंने चारों रजिस्टर्स पर ओम्स लॉ लगा दिया।
ठीक है। नाउ व्हाट वी डू इज, अब यहां पर हम क्या करते हैं, हम यहां पर ये देख रहे हैं इधर वीपी माइनस वी हमें दिख रहा है दोनों में, यहां वी माइनस वी क्यू, वी माइनस वी क्यू दिख रहा है। हम क्यों ना इन्हें एक दूसरे से इक्वेट करके या डिवाइड करके चीजों को एलिमिनेट कर दें, ठीक है। सपोज आई डिवाइड दीज टू इक्वेशंस, मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं और मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देता हूं। आई डिवाइड दिस बाय दिस, दिस इक्वेशन बाय दिस इक्वेशन, ठीक है। कुछ भी हम एलिमिनेट कर दें, या तो मैं वीपी माइनस वी एलिमिनेट कर दूं इन दोनों को डिवाइड करके, या फिर मैं आई वन एलिमिनेट कर लूं इन दोनों को डिवाइड करके, कुछ भी कर ले हम, बात वही होगी, दोनों में से कुछ भी हम कर ले। सपोज मैं यही करता हूं तो मुझे मिलेगा वीपी माइनस वी अपॉन वी माइनस वी क्यू इक्वल्स आई वन कैंसल आर वन अपॉन आर थ्री। इसी तरह से इन दोनों को डिवाइड करके जो मिलेगी इक्वेशन वीपी माइनस वी अपॉन वी माइनस वी क्यू इक्वल्स आर टू अपॉन आर फोर। यहां भी यही लिखा हुआ है, यहां भी यही लिखा हुआ है। अल्टीमेटली वी कंक्लूड दैट आर वन अपॉन आर थ्री इक्वल्स आर टू अपॉन आर फोर, और वी कैन राइट इट एज आर वन अपॉन आर टू इक्वल्स आर थ्री अपॉन आर फोर। जिस भी तरह से लिखें, जिस भी तरह से याद रखना चाहें, दिस इज द कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज बीइंग बैलेंस्ड। व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस्ड होने की कंडीशन हमें मिल जाती है। हम बोलेंगे दोनों आर्म में जो रेजिस्टर्स हैं उनका रेशियो सेम होना चाहिए, R1 वन अपॉन आर टू शुड बी इक्वल टू आर थ्री अपॉन आर फोर, या हम ऐसा बोलते हैं R1 वन अपॉन आर थ्री शुड बी इक्वल टू आर टू अपॉन आर फोर, कैसे भी हम कहें। ठीक है, सो दिस इज वाइस वर्सा, ये दोनों बातें एक दूसरे को इंप्लाई कर रही है। जब ये होगा तो ये होगा, जब ये होगा तो ये होगा, ठीक है। इफ दिस इज ट्रू देन द व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, इफ द व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड देन दिस इज ट्रू। वो एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे के कन्वर्स, इन दोनों बातों के जो कन्वर्स है वो ट्रू है, they are true, ठीक है। That means there is an if and only if condition. Wheatstone bridge balance हो सकता है if and only if this happens, ठीक है। If this happens, then definitely Wheatstone bridge is balanced. कोई भी और केस है तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि सीरीज पैरल नहीं बनता है तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचता है, हमें KVL KCL लगाकर वो सब वेरिएबल्स लेकर आई वन आई टू आई थ्री वो सारे वेरिएबल्स ले लेकर ही हमें काम करना पड़ता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व अ व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। इन एग्जाम्स वील सी दैट मोस्टली will get only mostly bhi kya in fact 99% of the times hame balanced wali condition hi di jati hai, because unbalanced wale ko solve karna to ek bahut hi lamba process ho jata hai, subjective question ho jata hai. Ye karke dekhna, try karke dekhna and you will see, theek hai. Hum is par bhi kuch example try karte hain, question try karte hain.
सपोज इस तरह का प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, अगेन वी आर सपोज टू रिपोर्ट द सेम आंसर्स जो हम रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन, रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन में पूछ रहे थे, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टर, करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, वही तीनों क्वेश्चंस यहां भी हम आंसर करें, सॉल्व करें। हाँ बोलो। हाँ मैं बोल देता हूं, दिस 6 ohms, 12 ohms, 4 ohms, 8 ohms, 10 ohms, 90 volts की बैटरी है, 6, 12, 4, 8, 10।